ये वक्त आधी रात का था। विजय सर अपने दो एम्प्लॉइज के साथ किसी कोठी के पीछे खड़े थे, जहां दूर दूर तक सिवाय जंगल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ बोलो। इतनी बड़ी कोठी है जिसे देखते ही उसके अंदर जाने का मन करता है, लेकिन हम लोग कोठी को छोड़कर हाथ में फावड़े लिए इसके पीछे इस उजाड़ मैदान में क्यों जा रहे हैं? तुम बस सिर्फ मेरे पीछे आते रहो, सब समझ में आ जाएगा। विजय सर हाथ में पकड़े डिवाइस पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद उस डिवाइस में रेड लाइट बहुत तेजी से जलने लगी और उससे बीप साउंड भी सुनाई देने लगी। ये देखकर नवीन और समीरा एक दूसरे का मुंह देखने लगे और विजय सर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आई। यही सही जगह है। उन्होंने डिवाइस एक साइड रख दी और नवीन से एक फावड़ा ले लिया। चलो अब यहाँ खुदाई शुरू करते हैं। नहीं सर, हम कर लेंगे ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आज तुम लोग मुझे भी थोड़ी मेहनत करने दो, देखते हैं मेहनत का फल कैसा होता है। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन तीनों ने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद उन्हें जमीन पर गड़ा एक ताबूत नजर आया, जिसे देखकर नवीन और समीरा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन विजय बिना कुछ कहे उन दोनों की मदद से उस ताबूत को बाहर निकाल लाया। सर, ये ताबूत आखिर किसका है? अगर मैं कहूँ, इस ताबूत में उस औरत की लाश है जिसने अपने जिंदगी में 7 इंसानों से शादी की थी और सातों ही मौत की नींद सो गए, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? सर, ये तो बहुत हैरानी वाली बात है, 7 बार शादी की और सातों शौहर मारे गए। हाँ, और माना जाता है कि सातों का खून शायद इसी औरत ने की थी। क्या नाम था सर उसका, और उसने ऐसा किया क्यों? इसका नाम था सुजैना, और हमने इसकी बॉडी को क्यों निकाला है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। विजय सर ने वो ताबूत एक टेम्पो में रखवाया और फिर वो सभी नवीन के घर पर आ गए। नवीन, मैंने इस ताबूत को यहाँ इसीलिए रखवाया है ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। अब 2 दिन बाद यहाँ आऊंगा, तुम लोग इस ताबूत को स्टोर रूम में रखना। जी ठीक है सर। इसके बाद विजय सर वहाँ से चले गए। नवीन और समीरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक ही घर में रहते थे, इसीलिए अब सुजैना की लाश के साथ वो दोनों अपने घर के अंदर थे। ये सर भी नाम कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगते हैं। भला ऐसी पागल लड़की की लाश हासिल करके हमें क्या मिलने वाला है, जिसने अपने ही 7 शौहरों को जान से मार दिया। सर ने मुझे बताया था। क्या? यही कि सुजैना के आखिरी पति को जब उसने मारा, तो उन 7 पतियों की प्रॉपर्टी सोने चांदी के रूप में उसके कब्जे में थी। सुजैना रात में कहीं भी जाती तो उसके आसपास से उसके 7 पतियों के रोने बिलखने की खौफनाक आवाजें सबको सुनाई देती थी। एक रात जब वो अपने कमरे में थी तो वो रहस्यमय तरीके से मर गई। उसके मरने के बाद वो सोना चांदी कहाँ गया, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। ये सुनकर समीरा के चेहरे पर डर छलक आया। कहीं वो इसकी रूह के जरिए? अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो यार, वो परसों आ रहे हैं ना, अब इस बारे में सोचना छोड़ो और सो जाओ। ऐसा कहकर नवीन ने चादर ओढ़ी और सो गया। समीरा ने भी आंखें बंद कर ली। अचानक से तेज धमधम की आवाज से समीरा की आंख खुल गई। हाँ, कौन है? उसने देखा कि नवीन उसके बगल में नहीं है और धमधम की वो आवाज अभी भी आ रही है। नवीन, तुम कहाँ हो? ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे से निकली। उसे हॉल में भी नवीन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी धमधम की आवाज का पीछा करते हुए वो स्टोर रूम पहुंच गई। स्टोर रूम में रखा था वही ताबूत। जब उसको पता चला कि वो आवाज उसके अंदर से आ रही है, तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे ताबूत के अंदर कोई जिंदा इंसान खुद को बचाने के लिए जोर जोर से उसके ढक्कन को पीट रहा हो। कहीं इसके अंदर नवीन तो नहीं? उसने अब देर नहीं की और ताबूत के ढक्कन को खोलने लगी। काफी कोशिश के बाद वो ढक्कन खुल गया। उसके खुलते ही दिमाग को सड़ा देने वाली बदबू बाहर निकली। उसने देखा कि उसके अंदर सुजैना की लाश है, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके अंदर तो सिर्फ लाश है, फिर कौन इसे पीट रहा होगा? ऐसा कहते हुए वो धीरे धीरे सुजैना के लाश के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाने लगी। वो सुनना चाहती थी कि कहीं उसकी सांसें तो नहीं चल रही। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, वो अचानक से सुजैना ने आंखें खोल दी और समीरा का गला पकड़कर उसे भी ताबूत के अंदर खींच लिया। ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। खोलो, बाहर निकालो मुझे। उसकी आवाज सुनकर नवीन, जो कि टॉयलेट में था, बाहर निकला। उसने स्टोर रूम में रखे ताबूत से समीरा की आवाज सुनी। समीरा! उसने बहुत ही मुश्किल से समीरा को बाहर निकाला। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और वो बेहद डरी हुई थी। तुम इसके अंदर कैसे पहुंची? इसने मुझे अंदर खींचा था। ये सुनकर नवीन को समीरा की बात पर एतबार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बिना जिद बहस किए उसे वापस अपने कमरे में ले आया। इसके बारे में हम सर को नहीं बताएंगे, ओके? उनके आने तक कोई स्टोर रूम में नहीं जाएगा। उस रात नवीन तो फिर से सो गया था, लेकिन समीरा की आंखों से जैसे नींद गायब हो चुकी थी। उसे बार बार अपने आस पास सुजैना के होने का एहसास हो रहा था। जिस दिन विजय सर वहाँ पहुँचे तो उनके साथ एक तांत्रिका भी थी, जिसने काले कपड़े पहने थे और उसके गले में कई तरह की मालाएं थीं। उसके हाथ में एक छिड़क दान भी नजर आ रहा था। उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा और फिर सुजैना के जिस्म पर पानी छिड़का। इस वक्त सभी लोग बिल्कुल खामोश थे। ये कैसे हो सकता है? इसकी आंखें खुल जानी चाहिए थीं। भला कोई मरा हुआ इंसान कैसे आंखें खोल सकता है? उसने नवीन की ओर देखा और घूरते हुए बोली, एक मैली रूह जिसका जिस्म सलामत हो, मैं कुछ पलों के लिए उसकी रूह को वापस उसके जिस्म मिला सकती हूँ। लेकिन ऐसा आप कहाँ कर पा रही हैं? क्या तुम में से किसी ने भी इस ताबूत को खोला था? नहीं, हम क्यों खोलेंगे भला इसको? विशाखा, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी सिद्धि इस तरह कभी नाकामयाब नहीं हुई। जरूर मुझसे पहले इस लाश को किसी ने देखा है, तभी इसकी रूह इसके जिस्म में नहीं आ रही। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सीधा बोलो ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर ये नहीं जागी तो मैं इसके खजाने का पता कैसे लगाऊंगा, बताओ। अब उन दोनों में काफी बहस होने लगी। विजय बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। आखिरकार विशाखा वहाँ से चली गई और विजय ने भी ताबूत बंद करके नवीन और समीरा से कहा, तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं शाम को वापस आऊंगा और इसे हम वापस उसी जगह में दफना देंगे। ये कहकर विजय वहाँ से चला गया। मैंने कहा था ना, उसने ही मुझे खींचा था, लेकिन तुम नहीं माने। यार प्लीज, अब तुम और टेंशन मत दो, एक दिन और इसे झेल लेंगे। न चाहते हुए भी समीरा और नवीन फिर से बेडरूम में जाकर लेट गए। आज उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। बेड पर लेटे हुए वो नींद आने का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह 3 बज गए और फिर ताबूत से वैसी ही आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज है? ये उसी ताबूत से आ रही है। घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। अब वो दोनों कमरे से निकलकर स्टोर रूम की ओर चले गए। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे, दिल को दहला देने वाली वो धम धम की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। स्टोर रूम पहुंचने पर ये कंफर्म हो गया कि आवाज ताबूत के अंदर से आ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सर को बता देना चाहिए। नहीं, वो गुस्सा करेंगे। नवीन ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ताबूत का ढक्कन हटाया। तभी सुजैना ने आंख खोली
और समीरा का हाथ पकड़ लिया। नवीन! नवीन ने हिम्मत करके सुजैना से समीरा का हाथ छुड़ाया। भागो यहाँ से! दोनों बाहर निकले और नवीन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और सुजैना दोनों की ओर बढ़ने लगी और दोनों कॉरिडोर से मेन डोर की ओर भाग रहे थे और सुजैना उनका पीछा कर रही थी। दिल में खौफ लिए वो बाहर खड़ी कार के पास पहुंच गए। जल्दी से कार में बैठो। नवीन कार में अभी बैठा ही था, उसने चाबी लगाकर कार को स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन समीरा न जाने क्यों अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रही थी। समीरा जल्दी से कार में बैठो, वो आ जाएगी। तभी सुजैना घर से बाहर निकली और तेजी से उन लोगों की ओर भागी। नवीन ने समीरा का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया और फिर तेजी से कार आगे बढ़ा दी। समीरा अभी भी कार के पीछे भागी आ रही सुजैना को देखे जा रही थी। समीरा, उसे मत देखो, अब हम महफूज हैं। उसकी बात सुनने के बाद भी समीरा खिड़की से पीछे की ओर देख रही थी। जब नवीन ने गौर किया कि समीरा उसकी बात पर कोई गौर नहीं कर रही है, तो उसने समीरा के कंधे पर हाथ रखा। समीरा, मेरी तरफ देखो। समीरा ने एक झटके के साथ नवीन की ओर देखा और नवीन का दिल दहल उठा। समीरा की आंखें सुर्ख लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और चेहरे पर अजीब तरह का तेज नजर आ रहा था। नवीन ने ब्रेक लगा दी और कार से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गया। काफी दूर दौड़ने के बाद वो एक बरगद के दरख्त के पास जाकर रुका। ये कैसे हो सकता है, मेरी समीरा को आखिर क्या हो गया? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो सुजैना उसके सामने थी। सुजैना! नवीन को ऐसा झटका लगा था मानो काटो तो खून नहीं। वो भागना चाहता था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी समीरा ही थी। जैसे उसके दिमाग पर कोई काबू ही नहीं था। नवीन को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। समीरा ने उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और सुजैना उसके जिस्म पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। सुजैना नवीन को चीर फाड़ रही थी और समीरा उसके पास खड़ी इस खौफनाक मंजर को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। आखिर सुजैना जिंदा कैसे हुई, और अगर हुई भी तो समीरा उसकी मदद क्यों कर रही थी? ये दोनों अब आगे क्या करने वाली हैं? क्या सुजैना का छिपा खजाना सबके सामने आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही।